कैलाश शिखिर शिव शंभु नटा, कर नृत्य जटा लटका लटका, डिन नाद डिमिक डिम डम रू बजा, कर मुंड बजा चटका चटका, बस मांड धवल अहिहार गला, फुवकार फड़ा फनका फनका, ब्रह्मांड झनक झंझाली बजा, पद घुंगरू बजा झनका झनका। तांडव अथवा तांडव नृत्य शंकर भगवान द्वारा किए जाने वाला अलौकिक नृत्य है। ऐसा माना जाता है कि इसके अंदर भगवान की शक्तियां त्राही मचाती हैं। शिव की तीसरी आंख के खुलने से हाहाकार हो जाता है। तांडव के संस्कृत में कई अर्थ होते हैं। इसके प्रमुख अर्थ हैं उद्धत नृत्य करना, उग्र कर्म करना, स्वच्छंद हस्तक्षेप करना आदि। भारतीय संगीत में 14 प्रमुख तालभेद में वीर तथा विभत्स रस के सम्मिश्रण से बना तांडवीय ताल का वर्णन भी मिलता है। वनस्पति शास्त्र में एक प्रकार की घास को भी तांडव कहा गया है। शास्त्रों में प्रमुखता से भगवान शिव को ही तांडव स्वरूप का प्रवर्तक बताया गया है, परंतु अन्य आगम तथा काव्य ग्रंथों में दुर्गा, गणेश, भैरव, श्री राम आदि के तांडव का भी वर्णन मिलता है। लंकेश रावण विरचित शिव तांडव स्तोत्र के अलावा आदि शंकराचार्य रचित दुर्गा तांडव, महिषासुर मर्दिनी संकटा स्तोत्र, गणेश तांडव, भैरव तांडव एवं श्री भागवतानंद गुरु रचित श्री राघवेंद्र चरितम में राम तांडव स्तोत्र के बारे में ज्ञात होता है। मान्यता है कि रावण के भवन में पूजन के समाप्त होने पर शिवजी ने, महिषासुर को मारने के बाद दुर्गा माता ने, गजमुख की पराजय के बाद गणेश जी ने, ब्रह्मा के पंचम मस्तक के छेदन के बाद आदि भैरव ने एवं रावण के वध के समय श्री रामचंद्र जी ने तांडव किया था। तांडव शब्द तंदुल से बना हुआ है, जिसका अर्थ उछलना होता है। तांडव के दौरान ऊर्जा और शक्ति से उछलना होता है, ताकि मन मस्तिष्क शक्तिशाली हो सके। तांडव नृत्य केवल पुरुषों को ही करने का विधान है, महिलाओं को तांडव करना मना होता है। शिव तांडव स्त्रोत भोलेनाथ के परम भक्त विद्वान रावण द्वारा रचित एक स्तोत्र है। यह स्तुति पंचचामर छंद में है। मान्यता है कि रावण जब कैलाश लेकर चलने लगे तो शिवजी ने अंगूठे से कैलाश को दबा दिया। परिणाम स्वरूप कैलाश वहीं रह गया और रावण दब गया। अंत में रावण ने भगवान शिव की प्रशंसा में शिव तांडव स्तोत्र को रच डाला और तेज तेज भगवान शिव की स्तुति करने लगा। 17 श्लोकों के इस शिव तांडव स्तोत्र से भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न हो गए और उसे वरदान देकर कहा कि तुम्हारा यह स्तोत्र हमेशा अमर रहेगा और जो भी मेरी स्तुति में इस स्तोत्र का पाठ करेगा उसे मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस स्तोत्र को रचने के कारण ही भगवान शिव ने लंका नरेश को रावण नाम से संबोधित किया। आइए जानते हैं किस स्थिति में करें शिव तांडव स्तोत्र का पाठ। सर्वोत्तम जब कभी स्वास्थ्य की समस्याओं का कोई तत्काल समाधान न निकल पा रहा हो, तो ऐसे में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना बेहद लाभदायक होता है। व्यक्ति को जब कभी भी ऐसा लगे कि किसी प्रकार के तंत्र मंत्र और शत्रु परेशान कर रहा है, तो ऐसे में शिव तांडव का पाठ करना अत्यंत लाभदायक होता है। आर्थिक समस्या से भी उबरने के लिए शिव तांडव का पाठ करना शुभ साबित होता है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने के लाभ चमत्कारी हैं। यह आपको शक्ति, मानसिक शक्ति,
सुख, समृद्धि और बहुत कुछ देता है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ यदि रात्रि में किया जाए तो शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। शिव तांडव स्तोत्र को सुबह भजन के रूप में पाठ करने से आपको अपने पापों से मुक्ति मिलती है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से जन्म कुंडली में पितृ दोष और काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है।